हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप सबको एक इजी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसका नाम काले मिर्ची का अचार है। आप सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ के जी टमाटर ले लेंगे, एक बोल प्याज, यहाँ पर मैंने थोड़ी इमली ली है बघार के लिए, प्याज, लहसुन का पेस्ट, करी पत्ता जो हम बघार में डालेंगे, और हरा धनिया, काली मिर्च, और यह रही जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये रहे काले मिर्ची का सालन बनाने के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम मिक्सर में टमाटर डालेंगे, और साथ ही प्याज, इमली, सारी जीरा, काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट। देखिए इन सारी चीज़ों को पीसकर हमने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर हम एक बर्तन में ऑयल डालेंगे ऑयल को डालने के बाद इसमें हम करी पत्ते को भी डालेंगे। इसके बाद प्याज को भी हम बघार में डाल देंगे। थोड़ा प्याज और करी पत्ते को भूनने के बाद हम इसमें पिसा हुआ टमाटो के पेस्ट को थोड़ा ऐड करेंगे ताकि हम सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से भून सकें। यहाँ पर मैं मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मसाले में पका लूँगी। मसाला बहुत टेस्टी सालन बनने वाला है ये। इसके साथ साथ नमक को भी ऐड कर देंगे। हम बचा हुआ सारा टमाटो का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें सारे मसाले डालकर पीसे हैं, टमाटो, प्याज, जीरा, काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट, इन सारी चीज़ों को पीसकर मैंने ये पेस्ट बनाया है। देखिए अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने देंगे। यहाँ पर अब हमारा सालन रेडी हो गया है। इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे। माशाल्लाह देखिए एक 10-15 मिनट को पकाने के बाद ये सालन अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है। आप इसको प्लेन राइस में ज़रूर से इस्तेमाल करिए। आप सब ने मेरी रेसिपी देख ली है तो मेरे इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इंशाल्लाह तो हम फिर नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।